सभी साधर्मी भक्त जुड़े हैं। मैंने आपको बताया द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। जो जहां पैदा हुआ है उसी भावों के साथ अपना जीवन यापन करता है, उसी के साथ ही अपने जीवन के आचार, विचार, व्यवहार के साथ अपने जीवन की जीविकोपार्जन करने के भावों के साथ अपना प्रभाव रखता है। अब यहाँ पर हम चलते हैं भक्तामर की साधना किस क्षेत्र वाले, किस द्रव्य के साथ, किस काल में और किस भाव के साथ करें। एक बात हमेशा याद रखना, जब कोई टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, सभी विद्यार्थी एक साथ बैठे हैं, एक ही टाइम पर बैठे हैं, शिक्षक सभी को एक जैसा पढ़ा रहा है, लेकिन सभी विद्यार्थी के नंबर एक जैसे नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि सभी विद्यार्थी की सोच अलग अलग है। शिक्षक की सोच तो एक ही है कि सभी विद्यार्थी के नंबर बराबर बराबर आना चाहिए, लेकिन शिक्षक की सोच के साथ यदि सारे विद्यार्थी सोचने लगें तो सभी विद्यार्थी के नंबर बराबर आ सकते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी शिक्षक बनकर के भक्तामर की शिक्षा दे रहे हैं। यदि हम आचार्य मानतुंग स्वामी की शिक्षा से जुड़ जाएं, विद्यार्थी बनकर के उनकी विद्या को ग्रहण करने लगें, तो हमारे जीवन में भक्तामर स्तोत्र का प्रभाव पड़ सकता है। आज हम देखते हैं कुछ लोग भक्तामर एक बार पढ़ते हैं उनके काम हो जाते हैं, कुछ लोग 10, 20, 30, 40, 40 साल से भक्तामर पढ़ रहे हैं उनके कुछ काम नहीं होते, वो सिर्फ काम निकालने के लिए पढ़ते हैं कि चलो अपना काम हो गया, नियम लिया था इसलिए इस नियम को मैंने पूरा कर लिया, इसलिए उनके जीवन पर भक्तामर का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है, हम मंदिर में जाते हैं अच्छी बात है, लेकिन किस भाव से जाएं, भक्तामर पढ़ते हैं किस भाव से पढ़ें, इसका जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो पहले मैंने आपसे कहा था कि जैसा द्रव्य होगा वैसा क्षेत्र होगा, वैसा ही काल होगा, उसी काल के अनुसार आपके जीवन में भाव होंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि हमारे जीवन में भक्तामर का प्रभाव पड़े, आप मुझे सुन रहे हैं भक्तामर की साधना के लिए सुन रहे हैं कि भक्तामर का प्रभाव मेरे जीवन पर पड़े, सही तरीके से पड़े, तो मैं आपको आज कुछ नई बातें इस भक्तामर समाधान के साथ बताना चाहता हूँ। जो बच्चे रविवार को पैदा होते हैं वो दृढ़ संकल्पी होते हैं, वीर होते हैं, चतुर होते हैं, तेजस्वी होते हैं, स्वच्छ एवं पवित्र रहने वाले होते हैं। जो बच्चे सोमवार को पैदा होते हैं वह ठिगने कद वाले होते हैं, गौर वर्ण होते हैं, चतुर होते हैं, सत्व गुणी वाले होते हैं। जो बच्चे मंगलवार को पैदा होते हैं वो चंचल स्वभाव भी होते हैं, कामी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और कलाविद होते हैं, धीर होते हैं, क्षमाशील, मधुरभाषी, हितमित, प्रिय वचन बोलने वाले और वीर होते हैं। जो बच्चे बुधवार को पैदा होते हैं वो बच्चे चंचल स्वभाव, कामी, बुद्धिमान, कवि, प्रकृति वाले और चतुर होते हैं। जो बच्चे गुरुवार को पैदा होते हैं वो बच्चे विख्यात, चतुर, वाचाल, गुरुत्व पावर उनके अंदर होता है, बुद्धिमान, कलाविद होते हैं। ऐसे बच्चे गुरुवार को पैदा होने वाले होते हैं। जो बच्चे शुक्रवार को पैदा होते हैं वो बच्चे शास्त्र कला के मर्मज्ञ, ज्ञाता, चतुर, विख्यात होते हैं और शौकीन प्रवृत्ति के होते हैं। जो बच्चे शनिवार को पैदा होते हैं वो क्रोधी होते हैं, नीच स्वभाव होता है, शुष्क जीवन होता है, प्रकृति में उनके चिंताएं रहती हैं। और जो बच्चे इस प्रकार के साथ अपना जीवन जीते हैं, ऐसे सात वार के जो बारे में मैंने यहाँ बताया, रविवार के, सोमवार के, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इस दिन जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी भाव, उनका प्रभाव उसी रूप हो जाता है, क्योंकि उनके जीवन की एक्टिविटी उसी के अनुसार चला करती है। तो यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी भक्तामर की आराधना के माध्यम से
आपको बताना चाहते हैं, यदि आपने अपना जीवन जिस दिन जन्म लिया है, सूर्यवार को जन्म लिया है, तो आप अपनी साधना सूर्यवार से प्रारंभ करें और सूर्य के सामने बैठ के करें, पूरब दिशा में मुंह करके प्रातःकाल की बेला में उगते हुए सूरज के साथ भक्तामर के काव्य का शुभारंभ करें। चंद्रवार को जो बच्चे पैदा हुए हैं, वो संध्या काल की बेला में जब चांद निकले उस चांद को देखते देखते भक्तामर की आराधना करें। जो बच्चे मंगलवार को यदि पैदा हुए हैं, वो बच्चे 9 बजे के बाद भक्तामर की आराधना साधना प्रारंभ करें। बुधवार को जो बच्चे पैदा हुए हैं, वो सुबह 6:30 के बाद भक्तामर की आराधना करें। जो बच्चे गुरुवार को पैदा हुए हैं, वह 10:30 के बाद भक्तामर की आराधना साधना करें। शुक्रवार को जो बच्चे पैदा हुए हैं, वो बच्चे 12 बजे के बाद साधना करें। जो बच्चे शनिवार को पैदा हुए हैं, वो संध्या काल बेला में 4 बजे 6 बजे के बाद में भक्तामर की आराधना और साधना करेंगे, तो उनका जो दिन है वो दिन उनका शुभ दिन हो सकता है, उनके जीवन की शुभ प्रभात हो सकती है, उनके जीवन में कुछ कल्याणकारी प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पर हमारा यही भाव है। इसके बाद एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे मध्य प्रदेश में पैदा होते हैं, यदि महाराष्ट्र में जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। महाराष्ट्र वाले बच्चे मध्य प्रदेश में आते हैं अस्वस्थ हो जाते हैं। कुछ बेटियां ऐसी हैं, उनकी कुंडली मिला ली है, पति पत्नी की कुंडली लड़की की बहुत अच्छी मिल गई, और जैसी वह लड़की अपने स्थान को छोड़कर ससुराल जाती है, उसी दिन से बीमार हो जाती है। कारण क्या है? कारण यही है, पत्रिका तो मिली, अच्छी मिली, गुण अच्छे मिले, लेकिन हमने उस पत्रिका को क्षेत्र से मैच नहीं किया। तब जब क्षेत्र से मैच नहीं होगा तो वो लड़की उस जगह पर कभी सुखी नहीं रह पाती है। माँ बाप भी कहते हैं कि लड़की इतनी शांत थी हमारे यहाँ, लेकिन ससुराल में जाके इतना क्रोध क्यों आने लगा, इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई। ये उसके क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, क्षेत्र से उसके भावों में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है, अस्वस्थता महसूस होने लगती है। इसलिए कोई भी काम करने के पहले हमें भक्तामर की आराधना के साथ सबसे पहले हमें क्षेत्र को देखना पड़ेगा। कई ऐसे जो व्यापारी व्यापार करने के लिए जिस भूमि पर पैदा होकर व्यापार करते हैं, यहाँ तरक्की नहीं होती है, लेकिन जैसे स्थान बदलते हैं उनका व्यापार बढ़ने लगता है, तरक्की हो जाती है। कुछ बच्चे माँ बाप के पास रहते हैं तो नहीं पढ़ते हैं, बाहर जाते हैं पढ़ाई में मन लगने लगता है। तो ये कुछ ग्रहों का प्रभाव बच्चों के जीवन पर, उस प्राकृतिक जीवन पर पड़ता है, क्योंकि बीज क्या है कैसा है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रकृति आपके स्वभाव को जानती है। तो जहाँ जहाँ पर आपका स्वभाव मैच होता है, वहाँ बैठकर के हम यदि साधना करते हैं तो यह प्रभाव आपके जीवन पर अति शीघ्र पड़ सकता है। अब हम चलते हैं भक्तामर की ओर। इस भक्तामर में सबसे ज़्यादा आचार्य मान्तुम स्वामी ने किसका वर्णन किया? सूर्य, चंद्रमा, ऋतु के साथ वर्णन किया है। आप देखिए, जब हम भक्तामर का शुभारंभ करते हैं तो यहाँ पर आचार्य मान्तुम स्वामी कहते हैं कि आराधना करो, लेकिन विनय के साथ करो, मुकुट लगा के करो, झुक कर के करो, तन्मयता के साथ करो, संकल्प के साथ करो, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर अति शीघ्र पड़ेगा। इसके बाद आचार्य मान्तुम स्वामी आके कह रहे हैं कि बिना संकल्प के कोई काम संपन्न नहीं होता है। किसी भी कार्य की संपन्नता के लिए पहले आप संकल्प लो कि मैं इतने दिनों तक इस भक्तामर की आराधना करूंगा, इसके बाद प्रिय वस्तु का त्याग करूंगा, इतने स्थान से आगे गमन नहीं करूंगा, और इतने घंटे तक मौन रहूंगा। जब जब भक्तामर की आराधना करूंगा उस समय सिर्फ आदिनाथ प्रभु आचार्य मान्तुम स्वामी इस भक्तामर की 48 दिव्य शक्तियों के अलावा और किसी के बारे में विचार नहीं करूंगा। इसके अलावा जब भक्तामर की आराधना करें उस समय अपने मन के सारे विचारों को भक्तामर के आत्म साधना के विचारों से जोड़ देना, तो तब जाकर के इस भक्तामर से आपका आत्म साक्षात्कार हो पाएगा। आपने देखा होगा आज के छोटे छोटे बच्चे किसके लिए रोते हैं, विचार करो, सोचो, किसके लिए रो रहे हैं तुम्हारे बच्चे? माँ के लिए नहीं रो रहे, पिताजी के लिए नहीं रो रहे,
आज के बच्चे रो रहे हैं तो मोबाइल के लिए रो रहे हैं। उन्हें किससे प्यार है? मोबाइल से प्यार है, क्योंकि मोबाइल का उन्हें कोड नंबर पता चल गया है। मोबाइल में बच्चों की मतलब की बातें हैं, और जिसमें बच्चों की मतलब की बातें हैं, बच्चा उसको छोड़ना नहीं चाहता है। माता पिता के साथ तो रहता है, लेकिन वह मोबाइल के बिना नहीं रह सकता है। ऐसा ही जीवन आपका होना चाहिए। आप भले ही कितने भीड़ में रहें, कितने लोगों के साथ रहें, कितने लोगों से आप मुलाकात करें, लेकिन हर समय आपके मन के अंदर भक्तामर 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 चलना चाहिए। जब हम अपने अंदर भक्तामर 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 चलाते रहेंगे, तो यह भक्तामर आपका साथी बन जाएगा, आपका सारथी बन जाएगा। जिस प्रकार से अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण बन गए, और आपके सारथी ये भक्तामर बन जाएंगे। सिर्फ हमें फोकस करना पड़ेगा कि मुझे इस भक्तामर को आत्मसात करना है। लोग मुझसे कहते हैं, महाराज जी आप तो हमेशा भक्तामर ही भक्तामर करते रहते हो, सुबह तो भक्तामर, दोपहर भक्तामर, शाम भक्तामर, कोई परेशान व्यक्ति आता है उसे भी उपाय बताते हो भक्तामर। मैं कहता हूँ मेरा एक ही जगह फोकस है, यहीं पर ही चारों अनुयोग हैं। प्रथमानुयोग है, कर्णानुयोग है, चरणानुयोग है, द्रव्यानुयोग है, चारों लाइनों में चारों अनुयोगों का सार छिपा है। तो जब हम इस पर अपनी आत्म साधना करते हैं, तो मुझे चारों अनुयोगों में आनंद आता है। चारों अनुयोगों से जुड़ कर के मैं अपनी आत्मा को जागृत करता हूँ, आत्मानुभूति करता हूँ, शुद्धोपयोग का अनुभव करता हूँ। तो यहाँ जब हम एक जगह फोकस करते हैं, तो नियम से वो शक्ति अपने आप आपसे फोकस करती है। एक बात आप याद रखना, आप अपने घर में कुत्ता पालते हो, है ना, एक दिन आप कुत्ते को बड़ा बेकार लगता है कि मैं कहाँ के फंस गया, दो दिन, दस दिन, बीस दिन, जब आप धीरे धीरे उसको अपना आप साथ रखते हो, पास बिठाते हो, तो वह कुत्ता आपके घर का वफादार हो जाता है, आपके घर को कभी छोड़ के नहीं जाता है। ऐसा ही जीवन आप अपने प्रभु भक्ति में लगाएं, क्योंकि कुत्ते का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि उसे डॉग कहते हैं, DOG। डॉग क्यों कहा? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वफादार है, मालिक के प्रति, अपने परिवार के प्रति पूरा वफादार रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये डॉग है। इस डॉग को उल्टा कर दीजिए तो बनेगा गॉड, GOD। गॉड मतलब भगवान। तो जो भगवान के प्रति इतना वफादार हो जाए, इतना समर्पित हो जाए, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। 24 घंटे वह श्वान अपने परिवार के लिए सोचता है। क्यों नहीं हम 24 घंटे भक्तामर के लिए सोचें, भक्तामर का ध्यान करें, भक्तामर का चिंतन करें, भक्तामर का मनन करें? तब जाकर के यह भक्तामर आपके जीवन के लिए हर कार्य में हर समय आपका साथी बन सकता है। तो यह भक्तामर की आराधना है, आप सभी के लिए है। तो आपको लिए आज यही मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आप जिस समय आपने अपने जीवन को अपना समय माना है, उस समय के साथ आप जुड़ते जाइए। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चारों चीज़ों पर आप फोकस कीजिए। काल का ध्यान रखिए, काल का मतलब 12 बजे सामायिक का काल है, इस समय आपको सिर्फ ध्यान करना है। संध्या काल, गौधूली बेला, वो सामायिक का काल है, उस समय आप ध्यान कीजिए। प्रातःकाल, ब्रह्म मुहूर्त सामायिक काल है, उस समय आप ध्यान कीजिए। रात्रि का काल, रात को 12 बजे का काल, उस समय आप ध्यान कीजिए। इस ध्यान के साथ आदिनाथ भगवान की भक्ति कीजिए। इस भक्ति में अपने आत्मा की शक्ति को जागृत कीजिए, और धीरे धीरे अपने मन के अंदर इस भक्तामर को समाहित करते जाइए। सबसे पहले जब भक्तामर का पाठ करें, तो हमें मुद्राओं पर ध्यान करना पड़ेगा। जैसे ये मुद्रा है, अंगुष्ठ मुद्रा है, अंगुष्ठ बना करके यहाँ संकल्प करके यहाँ पर राम बीज का उच्चारण कीजिए। ये राम अक्षर है, यहाँ पर राम लिख लीजिए। ध्यान करते हुए इसे प्रणाम कीजिए। अरिंद भगवान का ध्यान कीजिए, यहाँ पर ध्यान कीजिए। सिद्ध भगवान का ध्यान कीजिए, रीम बीज का ध्यान करते हुए इसे प्रणाम कीजिए। इसके बाद ये तीसरी जो उंगली है, आचार्य परमिष्ठ का ध्यान करते हुए रूम बीज मंत्र को ध्यान में लाइए और आचार्य परमिष्ठ को प्रणाम कीजिए। इसके बाद जो अनामिका उंगली है,
यहाँ पर रोम 20 को ध्यान में लाइए और यहाँ पर उपाध्याय प्रविष्टि को नमोस्तु कीजिए। लास्ट वाली उंगली में राह जो बीज मंत्र है इसे ध्यान में लाइए और 3 कम 9 करोड़ मुराजों को नमन करते जाइए। फिर दोनों हाथों को फैला लीजिए। राम रीम रूम रोम राह इसका ध्यान करते करते उच्चारण करते करते अपने पूरे चेहरे का स्पर्श करते जाइए, पूरे शरीर का स्पर्श करते जाइए, जिससे ऐसा महसूस हो सके जो हमने बीज मंत्र लिखे हैं राम रीम रूम रोम रह, ये जो 5 बीज मंत्र हमारे पूरे बॉडी के अंदर समाहित हो चुके हैं कि उंगलियों से ही हमारा जीवन चलता है। यदि हमारे उंगलियां चलना बंद हो जाएं तो हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है। इसलिए तो मैंने आपसे कहा सिर्फ आपको भक्तामल लिखना है। जो जो हम उंगलियों का स्पर्श करते करते जैसे जैसे भक्तामल लिखते जाएंगे, ये मान के चलना लिखा हुआ भक्तामल आपके दिमाग में सेव हो रहा है। आपकी जो उंगलियां चल रही हैं, ये 5 उंगलियां जब चलती हैं, 5 उंगलियां काम करती हैं, तो ये हमारी पंच इंद्रियां काम करना हमेशा जारी रखती हैं। और जब 5 उंगलियां चलना बंद हो जाती हैं तो पंच इंद्रियों में धीरे धीरे कमी आना प्रारंभ हो जाती है, वाइब्रेशन रुक जाता है, बुद्धि मंद हो जाती है, याद नहीं रहता है। बचपन में हमेशा हर सर कहते थे कि बेटा होमवर्क करके लाना। होमवर्क का अर्थ क्या है? होम वर्क, जो होम है, जो आपका दिमाग है, ये वर्क करे, इसलिए बेटा करो होम वर्क। तो होम में जो वर्क करना है तो होम वर्क के लिए आप होमवर्क करते हैं, लिखते हैं। तो आप भक्तामर को लिखिए और पूरे मनोयोग के साथ लिखिए, पेन को चलाइए, मन को शुद्ध बनाइए और भक्तामर की आराधना करते जाएंगे तो यही भक्तामर आपके जीवन को निखार सकता है और आपकी आत्मा का कल्याण कर सकता है। तो यह ऐसा पावन दिन आपके बीच में आया है भक्तामर की आराधना का, भक्तामर की साधना का, भक्तामर की प्रभावना का। इस भक्तामर के साथ जुड़ते जुड़ते अपने आत्मा को भक्तामर में बना लीजिए। जब आत्मा भक्तामर में बन जाएगी तो ये आत्मा अजर अमरता को प्राप्त होकर के तम मान तुंग मैत्य लक्ष्मी मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त हो जाएगी और इस भक्त का कल्याण अपने आप हो जाएगा और यह भक्त भगवान बन के सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो जाएगा। तो यह भक्तामर की भावना प्रभावना आत्म साधना के साथ द्रव्य क्षेत्र काल और भाव।